गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 नेचर रिसोर्सेज को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है रेन। कल के लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि मूवमेंट ऑफ एयर कैसी होती है, विंड के बारे में बताया था कि किस तरह से लैंड जो है फास्टर जो होती है वो हीट अप होती है और हमारी जो वाटर होता है, वाटर रिसोर्सेज होती है वो थोड़ा धीरे से हीट होती हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, रात के टाइम पे उल्टा होता है, जो हमारी लैंड है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और जो हमारा वाटर है वो थोड़ा देर से हमारा ठंडा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है और जिसके अकॉर्डिंगली हमारी विंड की जो है वो मूवमेंट या एयर की मूवमेंट जो है होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रेन के बारे में। अगर हम रेन के बारे में आगे पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि क्लाउड्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, किस तरह से हमारी रेन जो है वो अकर करती है। तो एयर जो होती है उसमें तुम्हें पता है कि अगर हम बात करें कि रेन की अगर हम बात कर रहे हैं स्मॉल स्केल पे, तो हम बात करें तो रेन की तो थोड़ी डिफरेंट डेज होगी, लेकिन अगर हम लार्ज स्केल पर बात करें एयर के अंदर अगर हाई अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स हो गए, एयर के अंदर अगर वाटर वेपर जो है वो बढ़ गए तो क्या होगा, तो क्या होगा, हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। या फिर हमारी क्या हो सकती है, अगर हमारे एयर में वाटर वेपर जो है वो कम हो गए तो हमारा क्या हो सकता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूवमेंट होनी स्टार्ट हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी एयर जो है वो मूव करती है। लेकिन तुम्हें पता है कि दिन के टाइम पर वाटर बॉडीज जो है वो हीटअप होती हैं, दिन के टाइम पर वाटर बॉडीज हमारी हीटअप होती है और बहुत सारे दिन के टाइम पर जो वाटर बॉडीज हीट होंगी हमारी तो क्या होगा, वो वेपर्स की फॉर्म में आएंगी और वो वेपर्स क्या करेंगे, हमारे एटमॉस्फेयर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे, एयर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। दिन के टाइम पर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इवेपोरेट करता है और गोज इनटू द एयर। दिन के टाइम पर हीट होती है, हीट से हमारे क्या होते हैं वेपर्स जो है वो इवेपोरेट होकर कहाँ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी ऐसी होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, जिनकी वजह से भी ये वेपर्स जो है वो जाना स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम क्या करें, पानी हमने बॉइल करना स्टार्ट कर दिया, गैस के ऊपर रख दिया, तुम्हें पता है वो अगर ज़्यादा बॉइल हो जाएगा तो उसके वेपर्स बनेंगे और वो सारे एयर की तरफ मूवमेंट उनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी होती है जिनकी वजह से वेपर्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करके जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से अब वेपर्स जो है एटमोसफेयर में जा रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी एयर भी क्या हो जाएगी, एयर की भी हीटनेस हो जाएगी, एयर भी हीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेपर्स एटमोसफेयर में जा रहे हैं, एयर को गर्म कर रहे हैं, तो एयर भी क्या हो जाएगी, इससे हमारी गर्म हो जाएगी। तो हॉट एयर क्या करेगी, ये गर्म हुई एयर क्या है, अपने साथ वेपर्स को लेकर जाना स्टार्ट करेगी और ऊपर की तरफ उसकी मूवमेंट जो है होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही एयर जो है राइज करेगी, एयर जो है राइज की, राइज करके वो क्या करेगी, एयर हमारी एक्सपेंड करेगी एंड देन फाइनली वो कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। हमने क्या बताया, हमारी एयर जो है वो गर्म हुई, एयर गर्म हुई ड्यू टू वेपर्स, एयर का क्या हो गया, एयर ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट कर गई, एयर ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट हो गई और राइज होते होते वो वेपर्स को भी अपनी तरफ लेकर अपने साथ लेकर जाना स्टार्ट हुई। अब एयर क्या होगी, एक्सपेंड करेगी मतलब एरिया वाइज वो क्या करेगी, एक्सपेंड कर जाएगी। एक्सपेंड होने के बाद वो बाद में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका कूलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब एटमोसफेयर इतना ज़्यादा
वजह से होती है। वो पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब अलोंग विद द, हमें पता है एयर में सिर्फ वेपर से तो नहीं जाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करेंगे, इस वेपर्स की कंडेंसेशन में हेल्प करेंगे। कंडेंसेशन में कैसे हेल्प करेंगे? वो वहां पर न्यूक्लियस की तरह, जैसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड सेल होता है हमारा, वैसे न्यूक्लियस की तरह वो एक्ट करेंगे और उसके अराउंड जो है वो उसको जगह प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से ड्रॉपलेट्स जो हैं, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो वेपर्स जो हैं हमारे आना स्टार्ट हो जाएंगे। वेपर्स बनने के लिए, ड्रॉपलेट्स बनने के लिए वो एरिया प्रोवाइड करेंगे। कौन प्रोवाइड करता है? हमारे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं एयर में और ये फंक्शन कंडेंसेशन के फंक्शन में हेल्प करते हैं। कौन? डस्ट पार्टिकल्स हमारे हेल्प करते हैं। अब जैसे ही वेपर्स की वाटर ड्रॉपलेट्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी, अब वो क्या करनी होगी? जैसे ही ये वेपर्स जो है टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ गए, इनमें क्या होगा? ये बड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे। बड़े कैसे होंगे? इनमें ओवर कंडेंसेशन होगी, ओवर कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी जिसकी वजह से ये और बड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत ही बिग और हैवी होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ये बहुत बिग और हैवी हुए, ये रेन की फॉर्म में नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। दोबारा से एक बार बता रही हूँ क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? हमारे वेपर्स हीटिंग हुई, हमारे लैंड की वाटर बॉडीज की हीटिंग हुई जिसकी वजह से वेपर्स बने, वो वेपर्स एयर में चले गए। जैसे ही वो वेपर्स एयर के अंदर चले गए, एयर की भी उन्होंने क्या करनी स्टार्ट कर दी? हीटिंग करनी स्टार्ट कर दी। अब एटमोसफेयर जो है वहाँ पर एयर पार्टिकल्स क्या करेंगे? एक्सपेंड होना स्टार्ट होंगे। जैसे वो एक्सपेंड होंगे तुम्हें पता है वो क्या हो जाएंगे? हमारे ठंडा कूल होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें पानी की, अगर हम पानी गर्म पानी किया, अगर हम उसको गिलास में रख देंगे वो तो गर्म ही रहेगा, लेकिन अगर हम उसको किसी खुले बर्तन में रख देंगे वो तो जल्दी ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही एयर में क्या होता है? एयर को जब एक्सपेंड होनी स्टार्ट होगी तो उसकी कूलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब एयर में सिर्फ वेपर्स ही नहीं गए हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी गए हैं। डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं? इन वेपर्स की कंडेंसेशन करते हैं। वेपर्स की जैसे ही कंडेंसेशन होती है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ये ड्रॉपलेट्स में और कंडेंसेशन होगी, ये और बड़े हो जाएंगे और बड़े होकर ये रेन की फॉर्म में अर्थ पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। सो कंडेंसेशन की प्रोसेस है जो सारी इसमें हेल्प कर रही है रेन बनने के लिए। अब जब टेम्परेचर एयर का कभी कभी बहुत ही लो होता है, कभी कभी एयर का टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, तो ये वेपर्स जो है उस टाइम पर स्नो की फॉर्म में अर्थ पर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। बारिश जो है बर्फ की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में जब आती है तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही अलग होता है। तो रेनफॉल पैटर्न की बात करें तो रेनफॉल पैटर्न जो है उस पर डिपेंड करता है। हमारे देश में हर जगह डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बारिश होती है और कहीं ज़्यादा होती है कहीं कम होती है, तो ये इस पर डिपेंड करता है कि विंड का पैटर्न क्या है। जैसी हवा चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग ही बारिश होगी। तो लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में बात करें तो रेन्स जो है साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून होते हैं। हमारे यहाँ साउथ से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हमारे क्या होते हैं? मानसून होते हैं। ठीक है, मानसून हमारे होते हैं। तो इस तरह से हमारे पता चलता है कि इसी तरह से किस तरह से विंड का पैटर्न क्या है उसी के बेसिस पर डिपिक्ट किया जाता है। या फिर हम बोले जो हमारे वेदर फोरकास्टिंग वाले होते हैं तो पता कर लेते हैं कि बारिश कब हो सकती है, मानसून का क्या सीजन है, ये सब कुछ। हमने कई बार रिपोर्ट सुनी है डिप्रेशन इन द वे बंगाल, वो रेन्स की वजह से ही होती है इन सम एरिया। डिप्रेशन ऑफ बे बंगाल इन द सम एरिया, बंगाल के एरियाज में वो बारिश की वजह से ही होती है। तो रेन कैसे हुई? एयर की हीटिंग हुई, हीटिंग होने से वो एटमॉस्फेयर में गई, वहाँ उसकी एक्सपेंडिशन हुई, वो कूलिंग हुई, देन वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स ने मिलकर टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म ली एंड देन वो ड्रॉपलेट्स में कंडेंसेशन होने की वजह से वो अर्थ के ऊपर रेन की फॉर्म में गिरती है। सो दिस इज अबाउट रेन। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे दैट इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने कई बार सुना है न्यूज के अंदर कि नाइट्रो
बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसके बारे में सुना होगा या कई बार हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना है कि हमारे चाइल्डहुड में तो टेम्परेचर अलग तरह से होता था, वेदर अलग होता था, इतना पॉल्यूशन नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये किसकी वजह से है? जब हम रीजन क्या है, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम, इनको बर्न करते हैं, जब हम इनको जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कोल एंड पेट्रोलियम को बर्न करते हैं, तो इनमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर रिलीज होता है। जब हम कोल एंड पेट्रोलियम को बर्न करते हैं तो उसमें से नाइट्रोजन एंड सल्फर क्या होता है, हमारा रिलीज होता है। और कई बार हमारा क्या होता है, इनको जब हम नाइट्रोजन एंड सल्फर को बर्न करते हैं या हमारे फ्यूल्स को और ज्यादा बर्न करते हैं, तब क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन एंड सल्फर इतने ज्यादा जल जाते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम को बर्न किया, ऑक्साइड हमारे नाइट्रोजन एंड सल्फर निकला उसमें से, जब इनको और ज्यादा बर्न करेंगे तब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर हमारे रिलीज होते हैं, ज्यादा बर्निंग करने से इनके ऑक्साइड्स की फॉर्म में, ऑक्साइड्स की फॉर्म में ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब ऐसे ये रिलीज होते हैं, अगर इन गैसेस को, ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन है, इनको अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हमारे लिए हो सकती है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। ऑक्साइड्स की बात करें, NO, NO2 है, ठीक है, उस फॉर्म में हम बात कर रहे हैं कि ऑक्साइड्स इनके रिलीज होते हैं। अगर हम, ये तो बर्निंग हुई, अगर हम कंबशन भी करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की, तब भी क्या होता है, कंबशन भी करते हैं अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की, तो ये क्या हो जाता है, हमारे कंबशन होने की वजह से इनका अमाउंट जो है वो हमारे एयर के अंदर इंक्रीज हो जाता है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से इनका अमाउंट जो है एयर में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कंबशन करने से इनका अमाउंट क्या हो रहा है, एयर में इंक्रीज हो जाता है। एक चीज जो दिमाग में रखने वाली है, ये जो नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड्स है, ये हमारे लिए सिर्फ जानलेवा ही नहीं होते, बल्कि ये अगर ये हमारे रेन के साथ मिक्स हो जाएं, जब ये नाइट्रोजन एंड सल्फर अगर हमारे रेन के साथ मिक्स हो जाएं, तो हमारी रेन को किस फॉर्म में ले आते हैं, ये एसिड रेन की फॉर्म में, इस फॉर्म में एसिड रेन, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जानलेवा होती है। ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं नाइट्रोजन एंड सल्फर के, ये कई बार अनबर्न रह जाती हैं, कई बार जले हुए नहीं रह जलते, मतलब जले हुए पार्टिकल्स जो है अनबर्न, ये हमारे पार्टिकल्स जो रह जाते हैं अनबर्न पार्टिकल्स की फॉर्म में, और ये हमारे क्या बना देते हैं, तब ये हमारे बना देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जब हमारे नाइट्रोजन एंड सल्फर, जब हमारे नाइट्रोजन एंड सल्फर अनबर्न रह जाते हैं, तो ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में आ जाते हैं। इनका केवल क्या होता है, प्रेजेंस इनकी हाई लेवल, अगर इन पॉल्यूटेंट्स, ये पॉल्यूटेंट्स की तरह एक्ट कर रहे हैं हमारे नाइट्रोजन एंड सल्फर, अगर ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनका हाई लेवल अगर हो गया, तो कई बार क्या होता है, अगर एटमॉस्फेयर में इनका लेवल हाई हो गया, तो कई बार हमें धुंधला या धुआं सा नजर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कोल्ड वेदर में ऐसे होता है, जब एयर के साथ वाटर भी कंडेंस हो जाता है, उसमें नाइट्रोजन एंड सल्फर भी हमें नजर आते हैं, तो उस टाइम ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, स्मोक की फॉर्म में, उस टाइम ये आ जाते हैं स्मोक की फॉर्म में, और ये इंडिकेटर होता है एयर पॉल्यूशन का। जब हमारे नाइट्रोजन एंड सल्फर जो है अनबर्न फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं, तब क्या होता है, ये कई बार कोल्ड वेदर में हमें बाहर की विजिबिलिटी, जो थोड़े से आगे की जगह हमें नजर नहीं आती, हम कहते हैं धुंध पड़ गई या कुछ भी, तो उसको हम स्मोक
स्मोक बोल देते हैं और यही इंडिकेटर भी होता है कई बार एयर पॉल्यूशन का। ऐसी अगर हम इंडिकेशन या फिर स्टडीज हुई है अगर ये नाइट्रोजन एंड सल्फर जो है एटमोस्फेयर में इसी तरह से रहा तो कुछ लोगों को क्या हो जाता है इसकी वजह से एलर्जी की प्रॉब्लम भी हो जाती है और कई बार एलर्जी के अलावा कैंसर एंड हार्ट डिजीजेस भी हो जाते हैं इनकी वजह से। अगर एयर पोल्यूशन ऐसे नहीं रहा, अगर एयर पोल्यूशन हमारा ऐसे नहीं रहा तो इससे क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारी या फिर एलर्जीज हो सकती हैं। इसकी वजह से एयर पोल्यूशन की वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो एयर पोल्यूशन हमारा होता क्या है, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ दीज ऑक्साइड्स, ये जो नाइट्रोजन एंड सल्फर हमने पढ़े इनके कंटेंट में एयर पोल्यूशन क्या है, इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर, हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर इज कॉल्ड एज एयर पॉल्यूशन। जब ये हार्मफुल कंटेंट सल्फाइड्स, सल्फर अगर हम बोले या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो हमारे एयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बढ़ते किसकी वजह से, रीज़न क्या है, फॉसिल फ्यूल्स की बर्न की वजह से, कई बार अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स की वजह से, एसिड रेन भी ये कोज करते हैं, उनकी वजह से क्या होते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे एयर में बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे क्या हो जाता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है। सो दिस इज़ अबाउट एयर पोल्यूशन। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।